गए हैं आकाश ददलानी के साथ बिग बॉस का एक नया इंटरव्यू करने। तो चलिए जानते हैं कैसा रहा आकाश का बिग बॉस का सफर। आकाश ददलानी ए कैश विद टेली रिपोर्टर, फील इट, कम ऑन टेली रिपोर्टर, कम ऑन टेली रिपोर्टर, ये टेली रिपोर्टर, ये ऑलराइट, हाउ यू डूइंग, नमस्ते इंडिया, आई लव यू, कैसे हो? ओके, तो आकाश कैसा रहा आपका बिग बॉस का सफर, पहले ये आपसे जानना चाहेंगे। ओह, इट वाज फन। ऐसा लग रहा था, मैं जब भी बचपन में बोर्डिंग स्कूल गया था, इट वॉज लाइक माई बोर्डिंग स्कूल मैन। सब हम लोग झगड़ रहे, फन कर रहे, खाना बना रहे, एंजॉइंग आवरसेल्व्स। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, आप बहुत ही ज़्यादा जॉली लग रहे थे, सबको बहुत एंटरटेनिंग लग रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको भी शिल्पा की तरह फ्लिप बोलने लगे थे घर में लोग, ऐसा क्या हो गया था? देखो, एक है रूल, हाथ नहीं उठा सकते तो आप घर से बाहर जाओगे। कभी कभी मेरा मन होता था टीवी नहीं है, ये नहीं है, चलो झगड़ते हैं। और ये सब टीवी के लिए किया, लोगों ने मारा भी मुझे और बाहर भी गए शो से, सॉरी अबाउट दैट, बट इट वाज ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और मैं जितना मुझे बिग बॉस ने दिया, मैं उतना बिग बॉस को देना चाहता था, सो आई डिड एवरीथिंग आई कुड। मैंने किसको भी हर्ट किया, आई एम सो सॉरी, मैं आपको हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी अ गुड फन एंटरटेनर। और झगड़े भी किए, सॉरी, पर फन भी बहुत किया और गाने भी थे। आकाश, आपको सबने देखा है कि आप सबको केयरिंग भी किए, बहुत फ्लर्ट भी किया, पहले फ्लर्ट की बात करते हैं, लुसिंडा और आपने ज्योति के साथ काफ़ी फ्लर्ट किया, उसके बारे में क्या देखा? देखो, एवरीबॉडी को इन्वॉल्व करने का फन, लाइक ज्योति को मैंने गर्लफ्रेंड बोला, अगले हफ्ते मुझे बिहार से कॉल आया, इट वर्क्ड इन माय फेवर। उन्होंने बोला, आकाश मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, यो ब्रो करते हो, ब्रो ब्रो करते हो, तो देखो इट ऑल हेल्प्स। लुसिंडा, मेरे को ना जब अमेरिका की याद आती थी, मेरे को भी ऐसे गर्लफ्रेंड्स थे, तो लुसिंडा के पीछे में थोड़ा पागल था, सो सॉरी लुसिंडा, अब आप बहुत ब्यूटीफुल हो मुझे पता है, पर फिर भी आप बहुत ब्यूटीफुल हो। एनीवेज, तो उनके साथ मैंने फ्लर्ट किया, फिर आप देखते हो एनी में आर्ची आई थी, केस वेस हम लोग करते हैं, मसाज, स्विमिंग, आई एम अ वेरी फन गाय, आई लव एवरीबॉडी, स्कूल हूँ मैं सबके साथ, हाँ रिस्पेक्ट और बाउंड्रीज भी है, जो मेरे दोस्त है, सो इट्स फन, आई लाइक फ्लर्टिंग, फ्लर्टिंग करना चाहिए, दिल के लिए अच्छा होता है, हार्ट बोलता है फ्लर्ट करने के लिए। अर्शी और शिल्पा के साथ जो केयरिंग आपने दिखाई, कहीं ना कहीं शिल्पा थोड़ा सा फ्लिप हो जाती हैं, और आपने उनके साथ थोड़ा गलत भी किया, आपको लगता है ऐसा उनके कि आपने थोड़ा गलत किया, एज अ मॉम आपने ट्रीट किया था? देखो, 10 वीक्स मैं और शिल्पा दोस्त थे, तभी उनने कुछ भी नहीं बोला, वो भी हमारे को टूई में मारती थी, डांटती थी, और हम लोग भी गाल चीख के किस करते थे। हाँ, एक टाइम एक्स्ट्रा उन्हें लव को बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर मैं समझ गया, मैंने हाथ नहीं लगाया ना कुछ बोला भी, इतना बात तक भी नहीं किया, और फिर एंडिंग में हमारा झगड़ा हुआ, फिर लास्ट अभी मैं निकलने के पहले मैंने शिल्पा को सॉरी भी बोला, आपने देखा होगा, क्योंकि इन दी एंड मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, केयर करता हूँ, बहुत अच्छी लेडी है। शिल्पा ने थोड़ा सा अभी आपको ये भी कहता कि शी वुड बी स्लैपिंग यू और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपकी एक नेगेटिविटी आ गई थी सबके सामने, उसके बारे में आपने कहा? हाँ, उन्होंने फिर स्लैप, फिर वापस चेंज किया उन्हें जो भी था, और उसके बाद जब भी मैंने बोला शिल्पा बहुत अच्छी दिख रही हो आज, फिर उन्होंने मुझे आगे गले ऐसे मिला जब मैं बर्तन धो रहा था, गुड लक इन ऑल, तो फिर हम लोग का वापस ठीक हो गया था। फिर शिल्पा रोई भी थी एंडिंग में, हमने बोला लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, उन्होंने भी बोला लेट्स फॉरगेट, उनको गुड बाय बोल के मैं निकल गया, तो आपको पता ही ये बात। आपके जैसे कि मॉम आई थी घर में, मॉम के साथ आते ही आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, एंड यू आर स्कैर्ड लिटिल बिट कि मॉम कुछ उल्टा सीधा ना गए, हाँ, लेकिन आफ्टर दैट यू आर वेरी मच मोटिवेटेड, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड गेटिंग सो मच ऑफ मोटिवेशन? शी इज़ माई मॉम, लाइक मेरे डैड बचपन में गुजर गए थे, तो मेरी मॉम ने हम लोग ने सब कुछ किया है, एंड माई मदर्स माई एनर्जी, यू नो शी मेड मी हू आई एम, सो मेरी मॉम कूल है। हाँ, पड़ोसी घर में आई थी, अपने बेटे के बारे में कुछ सुन नहीं सकती, ऑब्वियसली कुछ तो बोलेगी, मैं टेनिस प्लेयर, चैम्पियन, रॉक स्टार हूँ, यू नो सुनीता का बेटा, कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको। ओके, आपके भाई जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने ये मानने से एक्सेप्ट नहीं किया कि आप, या he didn't accept it that you are his brother, so what is your take on that? See, that's just the first tweet, you have to complete your sentence. Second tweet mein meri mom ne family photos bheji thi uske mom and dad, mere mere mom and dad ki shaadi mein, to it's wo hai, unko bhi pata hai, apne aapko pata jo second tweet hua hai, meri mom ne khol diya sab kuch, dikha diya, but main dekho itna dur tak aaya hu, मैंने अभी तक कुछ इतना मांगा नहीं है, एक दिन होपफुली हम लोग काम कर पाएंगे, पर मैं इतना अकेला कर सकता हूँ, मैं और भी कर पाऊँगा, मेरा नया गाना आ रहा है, पावनी पांडे जिसने लैला में लैला गाया रईस मूवी में, और मिस्टर शाहरुख खान, उसके साथ मेरा सिंगल आ रहा है पावनी पांडे ए कैश द रॉकस्टार, न्यू सॉन्ग पार्टी नंबर, आई कैन टेल यू, जस्ट वेट फॉर इट।
जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे आपकी और जो बाकी फ्रेंडशिप आपकी है पुनीश के साथ, पुनीश के साथ आपने कब बेटर आपको लगा, जब वो बंदगी के साथ थे या बंदगी के जाने के बाद? बंदगी के जाने के बाद लेकिन क्या ऐसा लगा कि बंदगी के जाने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा? देखो फर्स्ट पुनीश मेरा बेस्ट फ्रेंड था और शो में हम सबके अकेले आए हैं, कोई कोई लोग को लव चाहिए रहता है, तो मैं हमेशा बस 10 से 15 मिनट ही बैठता था ये लोग के साथ, सब पूरे घर को पता है। फिर जब बंदगी चले गई ऑब्वियसली वो भी थोड़ा अकेला था, मेरा झगड़ा हुआ था उसके साथ, फिर मैंने बोला चलो अभी मुट्ठी में आ गया है, अभी दोस्ती हम लोग अच्छे से कर सकेंगे, समझ रहे, अभी चलो वो अकेला है इसके लिए, और मेरा दोस्त था बहुत अच्छे से, हम लोग सेम बेड शेयर करते हैं एवरीथिंग, तो आई अच्छा दोस्त था वो। जैसे कि अभी घर में विकास और हीना भी हैं, You were somewhere with him, sometimes with Vikas, sometimes with Shilla, मतलब हीना, what was your take behind going and talking with them? देखो 14 week सलमान भाई ने मुझे डांटा था, और जो भी बहुत वो बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, सलमान खान इज नंबर वन मैन, नंबर वन होस्ट, इंडिया लव्स हिम, एवरीबडी लव्स सलमान खान, तो उन्होंने मुझे लास्ट वीक बोला था आकाश ट्राई टू गेट बेटर, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करो, और फिर मैंने वही सब कुछ ट्राई किया, शिल्पा को सॉरी बोला, पुनीश को शिल्पा के साथ था, ये लोग का साथ था, विकास और मैं इतने बड़े दुश्मन थे, जेल में मारा पीट हुई एंड वी गॉट गुड अगेन, हीना का मग टूट गया, मैंने मग ज्वाइन किया, हेल्प किया, सो सबके साथ अच्छा ही करके निकला हूँ मैं। लास्टली सलमान के बारे में, जैसे कि आपने कहा बहुत कुछ सलमान ने आपको कहा, कभी टकले कहा, कभी पूछता हुआ चिराग कहा, बहुत कुछ कहा, हाँ, फिर आपको कहीं बुरा नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? नहीं, फिर उसने बोला भी रोशन चिराग ये वो, सलमान खान जो मैन है वो जो भी बोलेंगे आपके लिए अच्छे के लिए ही है, सो इट्स नॉट ए बिग डील, वो जैसे मुझे फादर फिगर नहीं थे, सलमान खान वो सिर्फ फादर फिगर, और जब वो कुछ बोलते थे मैं डरता तो था और मैं समझता था क्या बोल रहे और अच्छे के लिए ही बोल रहे, वेरी गुड ही इज। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, हाँ, जो भी सलमान ने किया मेरे अच्छे के लिए किया है, और अभी मैं 5 से मैं 1 लाइफ में बनने की कोशिश कर रहा हूँ थैंक्स टू सलमान भाई, और मैं अच्छा बन गया अभी। और अभी जाते जाते अभी सिर्फ 4 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, एक के बारे में एक अच्छी चीज़ और एक थोड़ा सा आपको जो बुरी लगी हो पूरे सीजन में वो थोड़ा सा बता दें। बुरा मैं नहीं बोलने वाला हूँ अभी, प्लीज़, अच्छा ही है, विकास अच्छा है, इज़ ए कूल गाय, दोस्त निकलने आता है, एंड देन शिल्पा बहुत केयरिंग है, ही स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओ माई गॉड, उसके साथ टास संभाल के करो ब्रो, और पुनीश इज माई ब्रदर और ओनली कॉमनर है, और मैं सेकेंड कॉमनर था वहाँ, सो कॉमनर आगे बढ़ सकता है, ये सच है। ओ थैंक यू नो, आपने मेरे ड्रीम्स कम ट्रू किए, और मुझे करो यू नो ड्रीम बिग, मैं ड्रीम बिग और करूँगा, आई लव यू इंडिया एंड इंडिया लव्स मी होपफुली, एंड आई एम गोना कीप डूइंग गुड स्टफ फॉर यू।